ओम शांति। 7 अप्रैल 2023 की साकार मुरली। टाइटल है, मीठे बच्चे तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, माता ओ माता। परंतु बिचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसा क्या सेवा की है। ये तो नहीं पता ना उनको सेवा कैसे की मम्मा ने। उनकी महिमा तो गाते हैं कि होकर गई है, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है, शिव बाबा की। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह यह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है, बच्चे तो ढेर है। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉडफादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉडफादर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी है इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सत्युग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरन कोई नहीं करते हैं। इसलिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। शिव बाबा को द्वापर युग से दुखी हुए तब से पुकारना शुरू किया। बाबा कहते दुख में सिमरन किसका करते हैं, एक का। भल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं है, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सत्युग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। इनको वॉयलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है।
कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है, इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी, देवताओं में न स्थूल हिंसा न सूक्ष्म वाली काम कटारी की भी नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। पाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कल पहले भी की थी ना, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना पीटना क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहने बैठ भाइयों को राखी बांधती है कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य ये अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम भाई बहन हो गए, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं, तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब ये तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है, तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं, सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवानुवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। ये है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है, जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है तुम इस समय श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक श्याम बन गया है, उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूं तो लात मारता हूं। जो भी मनुष्य सूर्यवंशी घराने के है, देवी देवताएं जो सूर्यवंशी घराने के थे वो सब कैसे थे? सुंदर थे, इसलिए हाँ सत्युग में सूर्यवंशी घराने में देवी देवता कहलाने लगे, सुंदर थे। सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी, अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है, माया ने सबको काला बना दिया है, बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं, और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, न कि सदगति करने। बाबा कहते गुरु आते हैं किस लिए? तो धर्म स्थापन करने, सदगति करने नहीं आते। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती है।
परमधाम से जो परमधाम का श्लोक है, अलग अलग धर्म की आत्माओं का वो आती जाती है, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके, सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है, वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, अवतार लेता हूं, परंतु कैसे आते हैं ये कोई समझते नहीं है। मैं परमधाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर, छोटे तन से तो बात कर ना सके। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। ब्रह्मा बाबा के रथ में आते हैं ना बाबा। गीता में भी है कि इनके अनेक जन्मों को जानता हूं। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सभी जन्मों को जानते, वही तो कहानी सुनाते हैं 84 जन्मों की, कि क्या थे, क्या है और क्या बनना है। तो ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं ना। एक बार बता देता हूं, पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये है कल्याणकारी जन्म, संगम युग है पुरुषोत्तम कल्याणकारी। तो बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो ये माता भी हो गई। वास्तव में ये है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन, जरूर नहीं थे तब बनाया ना। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सत्ययुग में रावण को जलाते नहीं, मनुष्य कहते हैं ये रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है, रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परमधाम। रावण का धाम कहाँ है, वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं, राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं, रावण सर्वव्यापी है, फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूं। ये भूत ही सभी को दुख देते हैं, इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वो लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो, वहां तो वैभव ही वैभव है, मनुष्य को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब सत्ययुग में हो तो पुनर्जन्म सत्ययुग में ही मिलता है, अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। दूसरी पॉइंट, पतितों का संग छोड़
एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। आज का मीठा वरदान, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो आज का हमारा सम्मान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। विश्लेषण है, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने, खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाएगी। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास, प्रातः 4:45 बजे और रात्रि 9:45 बजे आज अव्यक्तवाणी पर रात्रि क्लास। ओम शांति। Thank you.